स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट को इस वक्त की लेटेस्ट न्यूज़ जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण मामले में जो है इस वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसी अपडेट जानकारी निकल के आया है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण मामले में सरकार ने जो है 76% आरक्षण रोस्टर का जो है सभी विभागों को दिशा निर्देश दे दिया है। अब इससे क्या होगा, छत्तीसगढ़ में जो है जितने भी नई नई भर्तियां हैं या फिर जिनके परीक्षा परिणाम रुके हैं, एग्ज़ाम्स हो चुका है लेकिन परीक्षा परिणाम जो है नहीं आया, उनके परीक्षा परिणाम जो है रिजल्ट अब आने वाला है और जितने भी नई नई वैकेंसीज हैं अपकमिंग वैकेंसीज, उन सभी पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा कि कब आपका एग्ज़ाम्स होगा। तो आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामले में 76% रोस्टर का सभी विभागों को दिया दिशा निर्देश। अब आएगा छत्तीसगढ़ में CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट और छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों पर महत्वपूर्ण जो है भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन। आप सभी स्टूडेंट काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है भर्ती निकल कर आएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि SI भर्ती परीक्षा जो 975 पदों पर भर्ती होने वाला था, 6 नवंबर को एग्जाम्स होने वाला था, लेकिन आपके जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामले की वजह से भर्ती परीक्षा जो है नहीं हो सका, जिसके वजह से छात्रों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, छात्रों को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो ऐसे में आप सभी स्टूडेंट के लिए एक अच्छी अपडेट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जानकारी निकल के आ चुका है। अब इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को हर एक जानकारी दूंगा। आरक्षण मामले में सरकार ने 76% आरक्षण रोस्टर का सभी विभागों को दिया दिशा निर्देश। अब आएगा छत्तीसगढ़ में CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट और इसके साथ ही शिक्षक के 12,489 पदों पर जो है नोटिफिकेशन। तो एक के बाद एक जो है नई नई अपडेट्स, नई नई जानकारी जो है देखने को मिल रहा है आरक्षण मामले में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 120 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 115 नंबर पे। वही यदि आप SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 110 नंबर पर, और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट यदि आप हैं तो 105 से 110 नंबर के बीच में यदि आपका आएगा तो आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डाउट, कोई भी त्रुटि जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो एक के बाद एक जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामले में नई नई जानकारी, नई नई अपडेट जो है निकल कर आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है तैयारी कर सकते हैं। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली इसका एक बेहतर रिजल्ट, इसका एक बेहतर परिणाम आपको जो है देखने को मिलेगा और आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है एक के बाद एक जो है नई नई अपडेट्स, नई नई जानकारी जो है निकल कर आ रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ताकि आपको बेहतर जानकारी, कंप्लीट जानकारी समझ में आ सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सके। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। 1/4 इसमें जो आपके माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसे आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 23 प्रश्न आएंगे। इसके साथ सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से टोटल 150 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपकी विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी में आपका जो व्याकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी व्याकरण में आपका आएगा स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हिंदी के बारे में नॉलेज, जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली IAS अकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS अकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको हिंदी के बारे में जो है संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप हिंदी में अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश के ग्रामर, तो इंग्लिश के ग्रामर्स में आपका आएगा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब इंस्टीट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो यदि आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश की प्रिपरेशन, तो इसके लिए आप जो इसेंशियल इंग्लिश अश्मी सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश अश्मी सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको इंग्लिश के बारे में जो है कंप्लीट
ए टू जेड नॉलेज मिल जाएगा, और आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से बेहतर नंबर ला सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है वस्त रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो इसका एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा, और आज नहीं तो कल आपको कामयाबी, सक्सेस, प्रसिद्धि जो है मिलने वाला है। अब बात करें हम मैथ से की, तो मैथ से तो देखिए, और इंग्लिश के लिए आप इसेंशियल इंग्लिश, रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के जो बुक्स होता है, आपके CGPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे, सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम बात करें मैथ से, तो मैथ से मैं आपका घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियां, ब्याज, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, जन्म, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण सांख्यिकी, ये इन सभी से प्रश्न आपके मैथ से में पूछे जाते हैं। तो मैथ से की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ से की तैयारी करेंगे, मैथ से की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको मैथ से गणित के बारे में संपूर्ण A to Z नॉलेज देखने को मिल जाएगा, और आप मैथ से गणित में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग के, रीजनिंग सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो रीजनिंग की तैयारी करने के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। तो इन सभी बुक से आप जो अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इसके साथ हम आपको बताना चाहते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस में आपका आएगा विज्ञान में बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जिसमें आपका जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, खसरा, डिथेरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी करने के लिए आप जो है दृष्टि आईएएस का क्विक बुक ले सकते हैं, जिससे कि आपकी साइंस की तैयारी, साइंस की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा, और आपको साइंस के बारे में कम्प्लीट नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी से तैयारी आप जो है बहुत अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही कंप्यूटर्स जो 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा ले सकते हैं, जिससे आपकी कंप्यूटर्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो बस मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, और लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ तो लोग बोलते हैं, लोगों का काम होता है बोलना, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, इसी वजह से वो आपको रोकते हैं, टोकते हैं, और वो समझते हैं कि मैं नहीं कर पाया तो यह कैसे कर पाएगा। तो आप में अगर कैपेबिलिटी है, क्षमता है, यदि आपको खुद के ऊपर भरोसा है, तो आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, और वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहेंगे। कुछ देर की खामोशी है, कानों में फिर शोर होगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, मेरा तो दौर होगा। बस मेहनत कीजिए, समय बदलते समय नहीं लगता, आज आपका समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आने वाला समय आपका ही होगा, और आपको आपकी मंजिल, सक्सेस, प्रसिद्धि सब कुछ मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए, धन्यवाद।